स्टूडेंट हो बल सेफ एंड एंजॉइंग ग्रोइंग अप इज अचुरल प्रोसेस ग्रोइंग अप होना क्या है बड़े होना एक नेचुरल प्रोसेस है जो भी बेबी छोटे होते हैं वो बड़े होते ही हैं पीरियड ऑफ लाइफ लाइफ का वो पीरियड वेन द बॉडी अंडरगोस चेंजेस जिसमें बॉडीज जिसमें ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं लीडिंग टू अडक्टिव मैच्योरिटी जो कहां लीड करती है एक रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ इस कॉल्ड एडोलिसंस ये इस एज का इस लाइफ ऑफ पीरियड का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है एडोलिसेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि हम एक रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी की तरफ हमारी बॉडी में इतने सारे चेंजेस हो रहे होते हैं हार्मोन सीक्रेट हो रहे होते हैं एडोलिस बिगिन अराउंड द एज ऑफ इलेवन एंड लास्ट अप टू एटीन और नाइनटीन ईयर्स ऑफ एज एडोलिस जो है ये वाला जो पीरियड है कहा कब से स्टार्ट होता है इलेवन की एज से स्टार्ट होता है और लास्ट होता है वो एटीन टू नाइनटीन ईयर्स के तक सिंस दिस पीरियड द टीन्स क्या पीरियड होता है टीन्स है ना कवर क्या करता है ये टीन्स टू और नाइनटीन ईयर ऑफ एज मीन इस पीरियड को ये कवर करता है तो इसको हम एडोलेसेंस को और क्या कहते हैं टीनेजर्स भी कहते हैं आपने ये वर्ड्स तो काफी सुना होगा टीनेजर्स इन गर्ल्स एडोलेसेंस में बिगन अ ईयर टू ईर अर्लियर देन इन बॉयज गर्ल्स में का जो पीरियड होता है वो बॉयज के कम्पेटिवली वन और टू ईयर्स पहले ही स्टार्ट हो जाता है ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेशंस वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ये जो पीरियड होता है एडोलेशंस पीरियड ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है मीन किसी पर्सन में के हॉर्मोन्स इतने एक्टिव होते हैं कि वो एज से पहले ही टीन में आ जाते हैं और किसी के थोड़े बाद में भी सिक्रिएट होते हैं ये हॉर्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है द ह्यूमन बॉडी अंडर गोज सेल चेंजेस ड्यूरिंग जब हो रहा है ये पीरियड जो होता है इस समय हमारी बॉडीज में बहुत सारे चेंजेस होते हैं दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी ये चेंजेस क्या मार्क करते हैं कि अब अब प्यूबर्टी की एज में आ गए हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच मार्क प्यूबर्टी इज दैट बॉयज एंड गर्ल बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन वही मैंने जब आपको पहले भी मैंने आपको बताया जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज होता है जो क्या होता है प्योबरिटी को जो मार्क करता है बॉयज़ और गर्ल्स में कि वो कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए प्यूबरिटी एंड्स वेन एडोलिसेंस रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी प्यूबरिटी एंड हो जाती है जब एडोलिसेंस का जो पीरियड होता है वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को गेन कर लेता है मीन्स जब रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी कम्प्लीटली मेच्योर हो जाएंगी तब आपकी प्यूबरिटी की जो एज है आपकी एडोलिसेंस जो पीरियड है वो एंड हो जाएगा नसीब और पहली एंड बूजो आर इंक्रीज़ इन हाइट एंड हेयरी लाइन द लिप्स इन बॉयज व साइन ऑफ एडोलेसेंस पहली और बूजो ने रियलाइज किया कि सडनली हाइट में चेंज इंक्रीमेंट होना या फिर बॉयज में हेयरी लाइन का आ जाना लिप्स के ऊपर ये किसके साइन है एडोलेसेंस के साइन है दे वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट अदर चेंजेस एट प्यूबेटी वो और चेंजेस के बारे में जानना चाहते हैं जो कि प्यूबैटी की एज में होते हैं नाउ वी विल कंटिन्यू द सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस प्यूबेटी प्यूबेटी की एज में जो चेंजेस होते हैं प्यूबेटी की एज में जो चेंजेस होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे द फर्स्ट सब टॉपिक इन दिस दैट इज इंक्रीज इन हाइट द मोस्ट कॉन्सीपिक चेंज ड्यूरिंग प्यूबरिटी इज अ सडन इंक्रीज इन हाइट मोस्ट नोटिसबल चेंज जो होता है जिसको आप नोटिस करते हैं प्यबैरिटी की एज में ड्यूरिंग प्यूबरिटी एज कि हाइट में सडन इंक्रीमेंट होता है एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स दट इज द बोन ऑफ आर्म एंड द लेग इलोंगेट एंड मेक अपर्सन टॉल इस टाइम में जो आपकी लॉन्ग बोन्स होती हैं मीन्स जो आपकी आर्म्स की बोन्स होंगी लेग्स की बोन होंगी वो इलोंगेट हो जाएंगी लंबी हो जाएंगी और जिससे पर्सन टॉल हो जाएगा